एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कीबोर्डिंग स्किल्स के बारे में। कीबोर्डिंग स्किल्स में मास्टर करना चाहते हो तो उसके लिए जरूरी है आप थोड़ी से एफर्ट्स लगाओ, और एफर्ट्स लगाने के बाद में आप एक अच्छी हाई स्पीड को अचीव कर सकते हो। उसके साथ साथ आप अपने कीबोर्डिंग स्किल्स को मास्टर कर सकते हो, जो कि बहुत जरूरी है आपके ऑपरेशनल स्किल्स को एनहांस करने के लिए। तो बेसिकली हम इस यूनिट में यही सब पढ़ने वाले हैं, हम अपने कीबोर्डिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करें और अपने टाइपिंग अर्गोनॉमिक्स के साथ में कैसे मतलब काम करें। अर्गोनॉमिक्स आर द रूल्स, तो हम उन रूल्स के साथ कैसे काम करें, हमारी टाइप के टाइम पे हमारी पोजिशनिंग क्या होनी चाहिए फिंगर की, टच टाइपिंग मेथड क्या है, और इसके अलावा बहुत सारे कीबोर्डिंग स्किल्स के बारे में हम इस चैप्टर में, इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कीबोर्डिंग स्किल्स के बारे में। कीबोर्ड आप जानते हो, कीबोर्ड हम किसे कहते हैं, इट इज द मोस्ट कॉमन टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस। ऐसा इनपुट डिवाइस है जो कि हर एक कंप्यूटर पे यूज होता ही है एज अ इनपुट। आपको कोई भी डेटा इनपुट करना होता है अपने सिस्टम में तो हम किसकी हेल्प से करते हैं, दो ही कॉमन इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिनमें से मोस्ट कॉमन इनपुट टेक्स्ट बेस्ड जो है वो है कीबोर्ड, और दूसरा आपका जो डेटा इनपुट करने के लिए डिवाइस यूज होता है माउस। दैट इज, दीज आर द मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइसेस। तो यहाँ पे जो हम टेक्स्ट इनपुट करने की बात करें तो हमारा जो मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है दैट इज कीबोर्ड। और एक जनरल से कीबोर्ड में नॉर्मली 100 कीज तो होती ही है, ज्यादा भी हो सकती है और एक आध थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है, वैसे कम नहीं होती है, ज्यादातर सभी कीबोर्ड्स में इससे ज्यादा ही कीज होती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हर एक की जो होती है वो कीबोर्ड में वो कॉरेस्पॉन्ड करती है सिंगल सिंबल को। सम सिंबल रिक्वायर्स प्रेसिंग एंड होल्डिंग सेवरल कीज साइमल्टेनियसली और इन सीक्वेंस। इसके अलावा कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जिसके लिए हमें कुछ मल्टीपल कीज को साथ में प्रेस करना पड़ता है, होल्ड करना पड़ता है, और तब वो सिंबल्स प्रेस होते हैं। इट अलाउज एंटरिंग अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड सिंबल्स इनटू द कंप्यूटर। सभी जानते हैं कि क्या क्या चीज आप इससे एंटर कर सकते हो अपने डेटा के रूप में अपने सिस्टम में, चाहे फिर वो नंबर हो, अल्फाबेट्स हो, सिंबल्स हो, उन सभी को आप अपने कंप्यूटर्स में एंटर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। Simultaneously, key press can produce actions or computer commands. इसके अलावा कुछ कीज होती हैं जो कि कुछ कमांड्स को भी फॉलो कर को भी प्रोड्यूस करती हैं, मतलब इनकी अगर आप कुछ कमांड्स के कॉम्बिनेशन को यूज करते हो तो उससे आप अपने सिस्टम को इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हो, कुछ कमांड भी प्रोवाइड कर रहे होते हो, तो ये भी हम कीबोर्ड की कीज के साथ में करते हैं। There is no need to search the key while typing and one has to move only the finger which is needed to strike a key. आप जानते हो कि अगर आप बहुत अच्छी आप एक अच्छी प्रैक्टिस में आ जाओ तो उसके लिए आपको कीज की को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपकी जो फिंगर है उसी की पे स्ट्राइक होती है विद दी प्रैक्टिस। तो हम प्रैक्टिस करने के लिए हमें यहाँ पे जो चीजें जरूरी होती हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अ टच टाइपिस्ट नोज द लोकेशन ऑन द कीबोर्ड थ्रू मसल मेमोरी। जो पर्सन रेगुलर इस पे काम करता है, रेगुलर कीबोर्ड्स पे काम करता है, वो अपनी किसी भी की को आइडेंटिफाई करने के लिए मसल मेमोरी का यूज करता है। मसल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें जब भी आप कीबोर्ड के साथ काम कर रहे होते हो तो आप देखते हो कि जो पर्सन बहुत ज्यादा रेगुलरली मास्टरिंग कर चुका होता है कीबोर्ड में, और जो कीबोर्डिंग स्किल्स जिसके बहुत अच्छे होते हैं उसे कोई चीज को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना उसे किसी कीबोर्ड की किसी की को ढूंढने की जरूरत पड़ती है। वो अपना कुछ और काम करते करते भी मतलब उसका स्क्रीन की तरफ फेस होता है, ध्यान होता है, और उसका सारा हर एक की उसकी प्रॉपर प्रेस्ड होती है, बिकॉज उसकी जो मसल मेमोरी है वो उसे इंस्ट्रक्ट करती है कि कौन सी की किस जगह पे लोकेटेड है। क्योंकि जब भी हम कीबोर्डिंग स्किल्स करते हैं तो यहाँ पे कुछ चीजें इंस्ट्रक्ट की जाती हैं कि कौन सी की पे कौन सी फिंगर होनी चाहिए, आपके हैंड की पोजीशन क्या होनी चाहिए, तो वो सब आपकी मसल मेमोरी को एनहांस करने में बेनिफिट करती है। टच टाइपिंग टाइप टिपिकली इन्वॉल्व्स प्लेसिंग द 8 फिंगर इन हॉरिजॉन्टल रो अलोंग द मिडल ऑफ द कीबोर्ड। मैंने जैसे अभी बताया था कि टच टाइपिंग क्या करती है, उसमें 8 फिंगर्स को एक हॉरिजॉन्टल रो में अलोंग द मिडल ऑफ द कीबोर्ड रखना होता है। टच टाइपिंग कैन बी डन विद टू हैंड्स और बाय यूजिंग अ सिंगल हैंड ऑल्सो।
टास्क टाइपिंग जरूरी नहीं है दो हाथों से, वैसे तो प्रोफेशनल लोग दो हाथों से ही करते हैं, दोनों हाथों को यूज करके करते हैं, बट जरूरी नहीं है दो हाथों से, कुछ लोग एक सिंगल हैंड यूज करके भी टच टाइपिंग कर सकते हैं. आज टच टाइपिस्ट स्टार्ट्स बाय प्लेसिंग हिज और हर फिंगर ऑन द स्टार्ट पोजीशन इन द मिडिल रो. हमेशा जब भी आप अल्फाबेट्स में टाइपिंग कर रहे होते हो तो हर एक हैंड की मूवमेंट की फिंगर की स्टार्टिंग जो होती है वो मिडिल में होनी चाहिए, मिडिल रो में होनी चाहिए. And knows which finger to move and how much to move it for reaching any required key. और ये पता होना चाहिए कि किस फिंगर पे कितना मूव करना है, कहाँ तक मूव करना है किसी एक की को तक पहुँचने के लिए. It is important to learn placing fingers into the starting position blindly as the hands are frequently raised from the keyboard to operate the line. इसके बाद हम बात करेंगे टाइपिंग स्पीड की बात के बारे में. टाइपिंग स्पीड जो होती है वो जनरली प्रैक्टिस के साथ इम्प्रूव होती है, और टाइपिंग स्पीड जो मीजर होती है वो मीजर होती है WPM में, यानी कि वर्ड्स पर मिनट में, और इससे ज्यादा भी. नॉर्मली तो 60 वर्ड पर मिनट हमारा जो स्पीड होता है वो अच्छा स्पीड कंसिडर किया जाता है, बट इससे भी ज्यादा स्पीड अचीव की जा सकती है विद द रेगुलर प्रैक्टिस. The rate of speed increases varies between individual. हर एक की अलग अलग स्पीड हो सकती है, हर एक पर्सन की स्पीड उसकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है. Many websites and software products are available to learn touch typing. आज अगर हम किसी जगह पे जाके ना सीखना चाहें, अपने कीबोर्डिंग स्किल्स को मास्टर करने के लिए किसी जगह पे जाके ट्रेनिंग ना लेना चाहें, तो इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिन्हें यूज करके आप अपनी टच टाइपिंग को एनहांस कर सकते हो, अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हो, अर्गोनॉमिक्स को लर्न कर सकते हो. तो उसके लिए कुछ कॉमन यहाँ पे नाम भी एक दिया गया है, दैट इज रैपिड टाइपिंग ट्यूटर. ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे आप यूज कर सकते हो अपने टाइपिंग स्किल्स को एनहांस करने के लिए. There are many such softwares available which are free of cost and are customized to learn typically efficiently and effectively. इसके अलावा और भी बहुत सारे softwares हैं जो कि free of cost available है और जिन्हें आप अपने typing को enhance करने के लिए, typing skills को enhance करने के लिए, efficient करने के लिए, effective करने के लिए use कर सकते हैं. Keyboards are also used for computer gaming either with regular keyboards or by using keyboards with special gaming features. आप सभी जानते हैं कि keyboards को हम computer gaming के लिए use करते हैं, और इसके लिए कुछ रेगुलर, कई बार रेगुलर कीबोर्ड्स का भी यूज होता है, कई बार स्पेशल कीबोर्ड्स जो हैं वो इसके लिए बनाए जाते हैं जो कि जिसके अंदर स्पेशल गेमिंग फीचर्स अवेलेबल होते हैं. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कीज की. कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है उसमें नॉर्मली इस तरीके की कीज होती हैं जो कैटेगराइजेशन मैं अभी बताने वाली हूँ. सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फान्यूमेरिक की. अल्फान्यूमेरिक कीज कौन सी होती हैं? ऑल ऑफ द अल्फाबेट एंड नंबर्स ऑन द कीबोर्ड, जितने भी अल्फाबेट ए टू जेड और नंबर्स कीबोर्ड पे होती हैं, दैट कीज आर कॉल्ड अल्फान्यूमेरिक कीज. यानी कि जो की जो भी की अल्फाबेट को रिप्रेजेंट कर रही है या नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, ऑल दोज कीज आर अल्फान्यूमेरिक कीज. इसके अलावा पंक्चुएशन कीज की बात करते हैं. ऑल ऑफ द कीज एसोसिएटेड विद पंक्चुएशन सच एज कॉमा, पीरियड, सेमीकोलन, ब्रैकेट्स एंड पैरेंथेसिस एंड सो ऑन. इस तरह आप जानते हो पंक्चुएशन मार्क्स किसे कहते हैं, तो वो सारे पंक्चुएशन मार्क अगर आपको कीबोर्ड पे दिखाई देते हैं तो वो सारी कीज को हम कंसीडर करते हैं पंक्चुएशन कीज के नाम से. इसके अलावा मैथमेटिकल ऑपरेटर सच एज प्लस साइंस, माइनस साइंस एंड इक्वल साइंस ऑल ऑल्सो आर कॉल्ड पंक्चुएशन कीज. Next is Alt key, short for alternated. This key is like a second control key. ये एक ऐसी control key है जो हमेशा combination में use होती है, किसी एक particular key के साथ में इसको combination में press किया जाता है किसी action को perform करने के लिए. Next arrow key. Arrow key is used to go to up, down, right and left, and these keys can be used in conjunction with the shift or Alt. To move the cursor in more than one position at a time, you will use Shift or Alt key with the arrow key. तो arrow key का हम समझ चुके हैं. Arrow keys आप सभी जानते हो चार के directions में होती है, और हम अगर एक से ज्यादा position पे एक साथ move करना चाहते हैं तो उसके लिए हम Shift और Alt key को arrow key के साथ simultaneously use करते हैं. Next is backspace key. It deletes the character just to the left of the cursor. ये हमेशा backspace की जो होती है वो left side से
आपके अल्फाबेट्स को या फिर आपके किसी भी कैरेक्टर को रिमूव करना शुरू करती है एंड मूव द कर्सर टू दैट पोजीशन। उसके बाद बात करेंगे कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की जो है टॉगल की होती है विच वेन एक्टिवेटेड कॉज ऑल अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स टू बी अपर केस। जब भी आप टॉगल की का मतलब ये हो गया, टॉगल की का काम होता है कि टॉगल की वो की होती है जो अगर प्रेस की जाए तो जिसे एक्टिव रखा जाए तो जितने भी अल्फाबेट्स या कैरेक्टर्स आप प्रेस कर रहे हो अगर उसे कैप्स लॉक को ऑन करने के बाद प्रेस करोगे तो वो कैपिटल में आएंगे। नाउ कंट्रोल की। कंट्रोल की क्या होती है? कंट्रोल की यूज होती है आपको अगर कंट्रोल कैरेक्टर्स को प्रोड्यूस करना होता है दो कीज के कॉम्बिनेशंस के साथ में, तो हम कंट्रोल की का यूज करते हैं। और हर कंट्रोल कैरेक्टर डिपेंड करता है कि हम किस प्रोग्राम में उसको रन कर रहे हैं। मतलब कंट्रोल की के साथ हम कोई अल्फाबेट कॉम्बिनेशन में अगर प्रेस करके कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो ये डिपेंड करता है कि हम उसे किस प्रोग्राम के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे डिलीट की। मैंने आपको बैकस्पेस की बताई थी। बैकस्पेस की से हम लेफ्ट साइड से कैरेक्टर को डिलीट करते हैं, प्रीवियस कैरेक्टर को डिलीट करते हैं। राइट साइड से अगर हमें कैरेक्टर डिलीट करना है देन वी विल यूज डिलीट की। डिलीट की राइट साइड से, कर्सर के राइट साइड से जो आपका कैरेक्टर होता है उसको डिलीट करता है। इस तरह से किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, कोई सी शेप हो, कोई इमेज हो, उसको डिलीट करने के लिए भी हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके और डिलीट की से डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है एंटर की की। एंटर की हमारा क्या होता है? अगर हमें नेक्स्ट लाइन पे मूव करना हो, एक डॉक्यूमेंट में हम काम कर रहे हैं और हमें नेक्स्ट लाइन पे मूव करना है तो हम यूज करते हैं एंटर की के का। एंटर की क्या करती है? पर्टिकुलर किसी लाइन से नेक्स्ट लाइन पे आपको आपके कर्सर को मूव कर देती है। इसके बाद एस्केप की। एस्केप की जो है हमारी पर्टिकुलरली यूज होती है किसी भी एप्लीकेशन से एग्जिट करने के लिए। हम किसी एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं और उस एप्लीकेशन को हमें बंद करना, उसे बाहर आना है तो हम एस्केप की का यूज करके किसी भी एप्लीकेशन से बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा डायलॉग बॉक्सेस जो होते हैं उनसे भी आप एस्केप से ही बाहर आ सकते हो। नाउ फंक्शन कीज। फंक्शन कीज हर कीबोर्ड में होती है। टॉप में, टॉप रो में F1 से लेके F12 तक की फंक्शन की होती है। स्पेशली लेबल्ड कीज होती हैं ये, और इनका हर एक प्रोग्राम में जिसमें भी ये यूज करते हैं हम, जो भी प्रोग्राम हम चला रहे होते हैं, हर की का, फंक्शन की का हर प्रोग्राम में डिफरेंट मीनिंग होता है। जैसे कि अगर हम पावर पॉइंट की बात करें तो MS पावर पॉइंट में अगर हम F5 की को यूज करेंगे तो वो स्लाइड शो की को रन करने के लिए यूज होती है। इस तरीके से अलग अलग फंक्शन कीज हैं जो अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग पर्पज से यूज होती हैं। अब उसके बाद हम अगर बताएं कि कीज किस तरह से काम करती हैं, तो की जब भी कोई की प्रेस होती है तो एक इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट फॉर्म होता है, उससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसमिट किए जाते हैं माइक्रो कंट्रोलर को कोडेड फॉर्म में, और जो डिस्क्राइब करते हैं कि किस कैरेक्टर को क्या करना है, मतलब कौन सा कैरेक्टर किस की के साथ जुड़ा हुआ है, और फिर वो उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। कंप्यूटर्स में जो कीबोर्ड्स होते हैं वो बेसिकली टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्राम्स के लिए यूज होते हैं, टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्राम्स के लिए यूज होते हैं। और ज़्यादातर GUI बेस्ड हम ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल यूज कर रहे हैं, जिनमें और भी चीज़ें हम कीबोर्ड के अलावा और भी चीज़ें हम यूज करते हैं, जैसे कि हमारा माउस है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, ये सारे डेटा इनपुट के लिए डिवाइसेस यूज होते हैं अपार्ट फ्रॉम कीबोर्ड। अब इसके बाद बात करेंगे न्यूमेरिक कीपैड की। हर कीबोर्ड के राइट साइड में आपको एक अलग से कीपैड दिखाई देता है। वो कीपैड नंबर्स के लिए स्पेशली होता है, नंबर्स के लिए और सिंबल्स के लिए। अगर आपको सिर्फ नंबर्स के साथ में ज्यादा काम करना है या फिर सिंबल्स के साथ में काम ज्यादा करना है, ऑपरेटर्स के साथ में काम ज्यादा करना है, तो आप ज्यादातर काम जो करोगे वो न्यूमेरिक कीपैड के साथ में करोगे जो राइट हैंड साइड में आपका प्रोवाइडेड होता है। इसके अलावा होम कीज के बारे में बात करते हैं। होम कीज के बारे में मैं पहले आपको बता दूं, होम कीज वो कीज होती हैं जो सेंटर्ड वे पोजिशनड होती हैं, यानी कि आपके कीबोर्ड की जो सेंटर्ड की होगी, जो मिडिल में जो कीज होती हैं, अल्फाबेटिक की जिनको हम बोलते हैं, अल्फाबेटिक की जो मिडिल में पोजिशनड होती हैं, उन कीज को हम होम कीज बोलते हैं। उसमें अगर आप लेफ्ट साइड की बात करें तो ASGF और राइट साइड की बात करें तो JKL, ये हमारी होम कीज होती हैं। ये कीज हैंड की मूवमेंट को, एक तरह से आपके हैंड की पोजीशन को, सॉरी आपके हैंड की पोजीशन को डिफाइन करती हैं कि आपके हैंड्स की पोजीशन क्या होनी चाहिए। जैसे मैं आपको अभी नीचे पिक्चर में दिखा दूँ, इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो कि ASGF
और JKL ये आपकी हैंड की पोजीशन, और जो आपका थंब है ये आपके फिंगर्स को इस तरीके से पोजीशन है इन कीज पे, और आपका जो थंब है वो स्पेस बार की पे है, लेफ्ट और राइट दोनों हैंड का। तो इस तरीके से हम होम कीज से अपने हैंड की पोजीशनिंग करते हैं कि एक टच टाइपिस्ट का हैंड बिगनिंग इन दी बिगनिंग ऑफ द टाइपिंग ऐसे होना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे गाइड कीज की। गाइड कीज वो होती हैं जिसपे आपकी इंडेक्स फिंगर होती है दोनों हैंड्स की, राइट हैंड की भी और लेफ्ट हैंड की, यानी कि एफ और जे। आप पिक्चर में भी देख पा रहे हो एफ और जे हमारी गाइड कीज हैं, क्योंकि इंडेक्स फिंगर हमारी उन्हीं पर पोजिशन है, यानी हमें बिगनिंग इधर से ही करनी है। नाउ टाइपिंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट। टाइपिंग और डिलीटिंग टेक्स्ट का मतलब आप टाइप कैसे करोगे। टाइप करने के लिए हमें कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें हम टेक्स्ट टाइप करेंगे, और हम लेटर्स किससे टाइप करते हैं, कीबोर्ड के थ्रू। डिलीट करने के लिए हम बैकस्पेस की या डिलीट की का यूज करते हैं। बैकस्पेस की और डिलीट की दोनों का डिफरेंस मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। फॉर टाइपिंग नंबर्स इन अ डॉक्यूमेंट यू शुड यूज द नंबर लॉक। मैंने ये भी आपको बताया था कि नंबर्स का अगर हम टाइपिंग ज्यादा काम कर रहे हैं, टाइपिंग वाला काम में हमारे नंबर्स का ज्यादा काम है, तो हम न्यूमेरिक कीपैड का यूज करते हैं। इसके बाद कैपिटल लेटर्स के लिए हम कैप्स लॉक की का यूज करते हैं। कैप्स लॉक की को आपको प्रेस करना होता है बिफोर स्टार्टिंग इन कैपिटल लेटर्स, बिफोर राइटिंग स्टार्टिंग राइटिंग इन कैपिटल लेटर्स। इसके बाद जैसे ही आप कैप्स लॉक की प्रेस कर देते हो, एक लाइट शो हो जाती है जो ये दिखाती है कि कैप्स लॉक की ऑन है। वापस ऑफ करने के लिए आपको दोबारा कैप्स लॉक की पे ही प्रेस करना होता है। इसके बाद टाइपिंग सिंबल्स। सिंबल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि कुछ कीज पे दो दो सिंबल्स बने होते हैं, जो एक सिंगल सिंबल होता है ऊपर वाला सिंबल वो डायरेक्टली प्रेस हो जाता है की को प्रेस करने पे ही, और जो उसके नीचे वाला सिंबल होता है, जो दो सिंबल बने हैं उनमें जो नीचे वाला सिंबल होता है वो शिफ्ट की के साथ में आपका प्रेस होता है। जब भी आप शिफ्ट की दबाओगे और शिफ्ट की के साथ उस की को दबाओगे जिसपे वो सिंबल बना हुआ है, तब वो प्रेस होगा। इस तरीके से हम सिंबल्स के साथ में काम करते हैं। टाइपिंग सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के बारे में आपको पता है, वर्ड्स से सेंटेंसेस बनते हैं। स्पेस बार यूज करते हैं हम सेंटेंसेस वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए। न्यू लाइन कैसे क्रिएट करते हैं। न्यू लाइन क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया था एंटर की का हम लोग यूज करते हैं। एंटर की से हम न्यू लाइन पे कर्सर को अपने मूव कर सकते हैं। गाइड फॉर टाइपिंग, मैंने आपको बताया था गाइड कीज कौन सी होती है। द कर्सर की सर्व एज गाइड फॉर टाइपिंग। जैसे अप डाउन लेफ्ट राइट की के बारे में भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो आपकी कर्सर कीज की तरह से काम करती हैं आपकी डॉक्यूमेंट पे लेफ्ट राइट अप डाउन मूव करने के लिए।